सो फाइनल दोस्तों, KTM ने अपनी 250 ड्यूक जो है इंडियन मार्केट में लॉन्च की है। तो इसमें आपको क्या कुछ अपडेट देखने को मिलने वाला है, इसकी प्राइस आपको कितने मिलने वाली है और ये जो है कितने कलर्स में आपको देखने को मिलने वाली है, सारी डिटेल आपको इस चैनल पर देखने को मिलने वाली है। तो चैनल के साथ बने रहे हो, चैनल पर अपने तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नहीं, इसमें आपको TFT स्क्रीन देखने को मिलेगी और इसमें आपको जो है LED डे टाइम रनिंग लैम्प भी जो है देखने को मिलने वाला है। तो इसके प्राइस की तरफ अगर देखा जाए तो इसके प्राइस जो है 2.41 लाख के करीब आपको एक शोरूम देखने को मिलने वाली है। तो 250 में आपको जो है मैकेनिकली बदलाव कोई भी देखने को नहीं मिलने वाले हैं। वही आपको 249.07 cc का इंजन देखने को मिलता है लिक्विड कूल का, जिसमें आपको 13.57 bhp की पावर और 25 Nm का आपको पीक टॉर्क आउटपुट जो है देखने को मिलने वाला है। 6 पॉड की आपको इसमें 6 स्पीड की गियरबॉक्स देखने को मिलेगी और इसमें आपको जो है बाई डायरेक्शनल की शिफ्टर भी आपको जो है देखने को मिलेगा। इसमें जो नया LED हेडलैम्प दिया गया है काफ़ी आपको जो है रात के टाइम काफ़ी अच्छा ब्राइटनेस देने वाला है और साथ साथ इसमें जो आपको रनिंग लाइट दिया गया है वो आपको जो है दिन में काफ़ी अच्छा लुक इसमें बाइक में देने वाला है। नई जो आपको LCD स्क्रीन मिलती है वो आपको कलर में देखने को मिलने वाली है। इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और मोबाइल कनेक्टिविटी जैसे फीचर भी आपको जो है देखने को मिलने वाले हैं। तो इसमें आपको सस्पेंशन सेटअप की अगर बात करें तो इसमें आगे की तरफ आपको जो है अपसाइड डाउन फोर्क्स देखने को मिलते हैं और रियर में आपको जो है मोनोशॉक सस्पेंशन दिए गए हैं। बाकी इसमें ब्रेकिंग सिस्टम जो है 320 mm की डिस्क ब्रेक आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसमें ब्रेकिंग की अगर बात करें तो इसमें आपको सुपर मोटो मोड के साथ जो है ड्यूल चैनल ABS का एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम भी जो है देखने को मिलता है। इसके जो 17 इंच की अलॉय व्हील्स है उसमें आपको कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलता है, पहले जैसे आपको 17 इंच की अलॉय व्हील्स देखने को मिलेगी और इसमें आपको जो है अंडरबेली एग्जॉस्ट सिस्टम जो है देखने को मिलने वाला है। तो मैंने इसकी प्राइस आपको बता दी, 2.41 लाख के करीब आपको जो एक शोरूम देखने को मिलने वाली है और ये जो है शोरूम पे आपको अवेलेबल होने वाली है। इसमें आपको जो है मैकेनिकली कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिलने वाला है, सिर्फ इसका फ्रंट का LED हेडलाइट जो है और इसका जो TFT डिस्प्ले है वो आपको चेंज होता हो इसमें देखने को मिलने वाला है। तो इसमें ज़्यादा बड़ा कौन सा अपडेट नहीं है, तब भी आपको अगर खरीदने तो नए शोरूम में जाकर आप जो है इसको परचेज कर सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अगर आप नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हर रोज़ है मैं बाइक से रिलेटेड वीडियोज़ को लाते रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें।